नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल मिसेस दीपिका दीवान पे स्वागत है। मैं हूँ आप सभी की दोस्त दीपिका। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके जो नाभि है उसके ऊपर। जो नाभि है आपकी, आप उससे बहुत सारे ऐसे रोगों का इलाज कर सकते हैं जो कि शायद आपको दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं होते होंगे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या खास बात है हमारी नाभि को लेकर जो हमें हजार तरीके के रोगों से बचा सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोग दोस्तों जो हमारी नाभि होती है ना, उससे हम बहुत सारे जो बीमारियां हैं उनका बिना कोई ट्रीटमेंट किए, बिना किसी दवाई के हम लोग इलाज कर सकते हैं। तो हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कि नाभि में हम क्या ऐसा करें, क्या ऐसी चीज डालें जिसके वजह से हमारी जो पूरा ओवरऑल बॉडी का जो भी सिस्टम है वो चेंज हो जाए, हम लोग बहुत हेल्दी हो जाए और हमारी जो स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है जो नाभि में हम लोग ऑयल डालेंगे, जो भी हम लोग ट्रीटमेंट में आपके आगे शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप रात को नाभि में सरसों का तेल डालते हैं, कच्ची घानी सरसों का तेल जो आता है नेचुरल, रिफाइंड ऑयल आपको बिल्कुल नहीं डालना है, सरसों का तेल डालिए प्योरेस्ट फॉर्म में आपके पास है, अवेलेबल है तो, या फिर अगर आपके पास देसी गाय का घी है तो भी आप उसे अपनी नाभि में दो बूंद आप डाल लीजिए और रात को सो जाइए। उसके बाद आप खड़े नहीं होइए। आप सोच रहे हैं अगर आप इतना सा एक ड्रॉप लेकर और नाभि के चारों तरफ लगा देते हैं तो उससे नहीं फायदा होगा। बेसिकली जब आप उसमें करते हैं, आप उसमें डालते हैं ऑयल या जो घी आप डाल रहे हैं, तो क्या करता है, आपने कभी भी नोट किया होगा कि नाभि जो होती है वो डेप्थ होती है, मतलब उसमें गहराई होती है। तो गहराई जो है ना वो आपकी 72,000 नाड़ियों का केंद्र है, सेंटर है। उससे आपकी जो बहुत सारी ऐसी नसें हैं, नाड़ियां हैं, नसें कहते हैं उसे हिंदी में, जो नसें हैं वो जुड़ी हुई है आपकी नाभि से, आपका वो सेंटर है। और जो अपने लिप्स हैं, आपके लिप्स जो होते हैं ना, वहां पर आप देखेंगे जो आपके फेस के ऊपर जितनी भी नसें आ रही है वो यहाँ पर ब्रेक डाउन है, सारी नसें यहाँ पर लिप्स के ऊपर आकर और मतलब कट हो गई है, ये लिप्स के ऊपर आकर कट हो गई है, मतलब आप समझिए चारों तरफ से नसें आ रही है और यहाँ पर आके एंड हो गया है उनका, नसों का। इसलिए हमारे जो लिप्स हैं वो जल्दी काले भी हो जाते हैं, डेलिकेट एरिया इसे हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग जो कहते हैं ना नाभि में तेल डालो तो आपकी जो लिप्स है वो सॉफ्ट होंगे, उसका रीजन यही है। देखिए नसें आ रही है पूरे ओवरऑल बॉडी की और जो लिप्स हैं वहां पर उनका एंड हो रहा है और जो नाभि की नसें हैं नाभि से आ रही है। तो अगर आप नाभि में कोई चीज डालेंगे तो लिप्स से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो अगर आप नाभि में तेल डालते हैं, सरसों का तेल या गाय का देसी घी, तो जो अगर आपके लिप्स कटे फटे रहते हैं ना, कि जो लिप्स का मतलब स्मूथ नहीं रहते, आपके लिप्स बहुत ज्यादा चैपी रहते हैं और फटते बहुत जल्दी है, डार्क है आपके लिप्स, नरम नहीं है, सूखे सूखे रहते हैं, पपड़ी निकलती है, इस तरह की अगर आपके लिप्स पे प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगेगी। अगर आपके आईज में जलन रहती है, जैसे मैंने आपको बताया कि सब नसें एक दूसरे से कनेक्ट है नाभि के, हमारे जो पूरा शरीर है वो एक दूसरे से नसों के माध्यम से कनेक्ट है, तो जो नसें हैं आंखों की जलन ठीक करेगा, आपकी जो मांसपेशियां हैं उनको ताकत मिलेगी, आपका धीरे धीरे डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होने लगेगा। अगर आपका डाइजेशन गड़बड़ रहता है हमेशा से, पाचन तंत्र जो है आपका अच्छा नहीं रहता है, तो भी आप सरसों का तेल रात में नाभि में डालकर सोएं, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई है, आप अपने बहुत सारे लोशंस लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, बट काम नहीं बनता, तो आपके शरीर के अंदर ड्राइनेस है, आपने ऊपर ऊपर से तो बाहरी तरीके से तो आपने मलम दे दिया, लेकिन अंदर से भी उसकी ड्राइनेस दूर करने की जरूरत है। आपने कभी भी नोटिस किया होगा अगर आप थोड़ा सा भी ऑयल लगाते हैं या कोई भी लोशन लगाते हैं, उसके थोड़ी देर बाद आपकी स्किन वैसे ही ड्राई रहती है और आपको बहुत ज्यादा खुरदरी, मतलब सॉफ्ट नहीं रहती आपकी स्किन, तो भी अपना सरसों का तेल या गाय का घी, देसी घी जो होता है वो अपनी नाभि में डालिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए रिजल्ट्स कभी भी 7 दिन यूज करने से, 2 दिन यूज करने से ऐसे नहीं आते, आपको एक जो ट्रीटमेंट होते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होते हैं उन्हें एक टाइम देना होता है, लंबा अरसा देना होता है, जैसे कि 30 दिन का टाइम, 40 दिन का टाइम आपको मिनिमम दीजिए तो आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की जो रिजल्ट्स हैं वो हम लोग आप लोग के साथ शेयर करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं 2 से 3 दिन यूज करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं हमारा कुछ भी नहीं हुआ, इनसे कोई ऐसा नहीं होता। आप ट्राई तो करिए, आपको बहुत जल्दी जो इसके फायदे हैं वो पता चलेंगे। आपका अगर कॉम्प्लेक्शन डार्क है ना, तो धीरे धीरे आपका जो कॉम्प्लेक्शन है ना वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा।
कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए, आपका जो स्किन का कलर है उसको फेयर करने के लिए आप रोजाना तेल की मालिश भी अपने शरीर पे किया कीजिए खाली पेट। इससे भी आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो सुधरता है, आपका जो डार्क कॉम्प्लेक्शन है वो धीरे धीरे फेयर होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ उसमें कुछ चेंजेस आपको दिखेंगे, सॉफ्ट होगी आपकी स्किन। और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं आपके घुटनों के दर्द में, क्योंकि हमारे शरीर में जो ग्रीस खत्म हो जाती है ना जॉइंट्स की, जब ग्रीस खत्म हो जाती है, तेल खत्म हो जाता है, तो हमारे जो घुटने हैं, जो हमारे और भी घुटने, कमर और हाथ पैरों का दर्द, जो ये जो जॉइंट्स होते हैं इन्हें, जिन्हें मैं आपको जिन्हें आप ये समझ लीजिए ये जो चीज है, इसके बीच में एक ग्रीस काम करता है। जैसे हम लोग साइकिल अगर रन करते हैं तो साइकिल में भी चेंज होती है, उसके उस पर ग्रीस लगता है काले रंग का चिकना पदार्थ, उसकी वजह से वो स्मूथली चलती है। तो अगर आपके शरीर में चिकनाहट की कमी हो गई है तो भी आप ये चीज उपाय कीजिए, घी खाइए रेगुलर बेसिस पे, आपका जो घुटनों का दर्द है और जो मतलब दर्द की समस्या है जॉइंट्स से रिलेटेड वो भी धीरे धीरे ठीक है। एक काम मैं आप लोगों को और बताती हूँ नाभि से रिलेटेड, जब आप नहा रहे होते हैं ना सुबह ठंडे पानी से, यहाँ पर नहाने की मैं बात करती हूँ, कभी भी आपको गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, बहुत एक्सट्रीम वाली सर्दी जब होती है ना तो भी आपको गुनगुने पानी से ही नहाना चाहिए, उससे ज्यादा गर्म पानी से अगर आप नहाते हैं ना तो आपका जो सिस्टम है वो खराब ही होता है, फिर आपकी स्किन हमेशा खराब रहेगी, आपकी स्किन पे ड्राइनेस रहेगी, आपकी बॉडी खराब रहेगी और आपको तरह तरह के फ्लूज आपको अपनी चपेट में ले लेंगे। तो आप क्या करें, जब आप ठंडे पानी से नहा रहे हैं तो सबसे पहला जो पानी है ना वो आप एक मुट्ठी में लीजिए और अपनी जो नाभि है, सेंटर पार्ट है आपके जो नेवल एरिया है, उस पर टच कीजिए और जैसे आप टच करेंगे उस पानी को आप देखेंगे आपके शरीर में चारों तरफ से करंट पास होने लगेगा, मतलब जो ब्लड सर्कुलेट होता है ना वो चारों तरफ से भागने लगेगा, जो आपका ब्लड है चारों तरफ से, और फिर क्या होगा उससे क्या होता है आप देखेंगे धीरे धीरे चेंजेस आप देखना, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी बॉडी में फील होने लगेगी, क्योंकि क्या होता है ये हमारे पूरे शरीर का सेंटर है और जो नाभि होती है उसके माध्यम से हमारे जो पूरे शरीर है उसमें एक मैसेज जाता है कि अभी पानी आने वाला है और वो हमारे पूरा जो शरीर है और न्यूरॉन्स है हमारे जो दिमाग के उनको एक तरह से रेडी कर देता है हमारा माइंड हमारे अपने आप को कि हाँ पानी आने वाला है और अभी नहाने के लिए बस तैयार हो जाओ। तो ये एक तरह से हमारा पूरा जो सिस्टम है वो नाभि के ऊपर वर्क करता है, नाभि पूरा सेंटर है और अगर हम लोग यहाँ पर कोई चीज डालेंगे और वो ऐसी होगी जो बहुत ज्यादा गुणकारी है, सरसों का तेल है, आप चाहे तो नारियल का तेल भी डाल सकते हैं अगर आपके पेट बहुत ज्यादा आपको गर्मी लगती है, इन द सेंस आपका पित्त, आपकी पित्त प्रकृति है तो आप नारियल का तेल डाल सकते हैं, नहीं तो देसी गाय का जो घी होता है वो होता है ठंडे नेचर का और जो सरसों का तेल मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो होता है गर्म नेचर का। तो ये मैंने आप लोगों को दोनों बैलेंस करके बता दिया, जिसको अगर बहुत ज्यादा पित्त प्रकृति है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है शरीर में और फुंसी फोड़े फुंसी इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप डालिए घी, और जिसको ऐसा कुछ नहीं है तो आप सरसों का तेल पे रहिए, वो गर्म है हल्का, तो आप ये चीजें करेंगे आप देखेंगे अगर आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम है स्किन पे तो वो भी धीरे धीरे चली जाएगी। ऐसे हजारों फायदे हैं जो शायद मैं आपको बोल के नहीं बता पाऊंगी, लेकिन अगर आप यूज करने लगेंगे इसे रेगुलर बेसिस पे, आपको सोने से पहले अपनी एक आदत बना लीजिए इसे और इसे अपने जीवन में जरूर उतारिए, आप देखेंगे खुद आपकी स्किन जो है वो चमकदार होगी, आपकी स्किन ग्लोई होगी। और अगर आपको इसका फायदा जरूर दिखे ना तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखा बताइएगा जरूर। तब तक के लिए इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।